नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी की इंटरव्यू जारी है। दो दिनों में जो भी सवाल पूछे गए हैं तमाम चीजों की जानकारी आपको देंगे। इसी बीच में हेमंत सोरेन ने लगभग एक महीने से 45 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए, और ये लगभग तय हो गया कि हेमंत सोरेन इस पूरे जांच में फंस चुके हैं, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं। इसके लिए दो प्लानिंग है जेएमएम की। पहली प्लानिंग ये है कि लोगों के बीच संवेदनात्मक टच हो, यानी कि स्टूडेंट्स और उनके जो पार्टी के कैडर हैं उन्हें ऐसा लगे कि उनकी माता का इलाज के लिए उनको समय देना लाजिमी है, और ऐसे में चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है तो वो जेएमएम को फेवर में चला जाएगा। इसलिए अब चुनाव आयोग को समय देना पड़ेगा। यहाँ गवर्नर की भी रोल इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि चुनाव आयोग गवर्नर को लिख करके भेजेंगे और वहां से राज्यपाल महोदय के वहां से फैसला लिया जाएगा। इसी बीच में जेएमएम ने अपने हर प्रकार के पहलू को टटोलना शुरू कर दिया है। खास तौर पर जो पूजा सिंघल का जिक्र हुआ था उसमें अब रघुवर दास भी फंस रहे। रघुवर दास के समय में उनके हॉस्पिटल की जमीन मिली थी, और उनके साथ एक फोटो सुदेश महतो की भी वायरल हुई, जिसमें एक विदेश टूर के दौरान सुदेश महतो पूजा सिंघल के साथ एक ग्रुप में नजर आ रहे। ऐसे में तमाम लोगों के फंसने की चांस है। ऐसे में सरयू राय का एक ट्वीट खासा बांधे रखता है। सरयू राय ने हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए लिखा कि सभी लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन बसंत सोरेन पर जांच को आगे बढ़ा दिया। सरयू राय ने लिखा कि बसंत सोरेन के ऊपर भी हर प्रकार का जांच बनता है। अब देखिए यहां पर क्या कुछ हो रहा है। सरयू राय निर्दलीय विधायक है, ऐसे में उनका बीजेपी से पहले से लगाव है। रघुवर दास नहीं चाहते कि सरयू राय जी बीजेपी में आ जाए। रघुवर दास अगर इस पूरे मामले में फंस जाते हैं और बाबूलाल मरंडी की सदस्यता समाप्त हो जाती है, जो इस समय विधानसभा में चल रहा है, उनके ऊपर भी आरोप है, ऐसी कंडीशन में सरयू राय के पास एक मौका होगा और वो बीजेपी में एंट्री मार सकते हैं। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन का तारीफ करना यह बताता है कि हेमंत सोरेन से जितना नजदीकी उनकी दिखेगी, बीजेपी के खेल में उतना ज्यादा खलबली मचेगा, और यही कारण है कि सरयू राय का यह ट्वीट इन मौके पर आ गया है। अब आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के तमाम लोग विधि विभाग से पूछ लिए, सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से और लीगल एक्सपर्ट से पूछ लिए, सभी लोगों का कहना है कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो चलिए बात शुरुआत करते हैं जेपीएससी इंटरव्यू का। अमिताभ चौधरी के बोर्ड में आज भी इंटरव्यू चल रहा है, और इसमें इंटरव्यू में आज 12 मिनट का समय कुछ स्टूडेंट्स को अमिताभ चौधरी जी ने दिया, जो पहले 4 से 5 मिनट का चल रहा था। दूसरे बोर्ड में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब अब जो सवाल पूछा जा रहा है वो डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। अब कैसा बोर्ड होगा उसी प्रकार का सवाल हो रहा है। अमूमन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी में से छोड़कर क्यों आना चाहते हैं, आपके हॉबी से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश का भविष्य तो बचपन है, और बच्चों को अपना हॉबी आपने क्यों नहीं बनाया, उनके साथ समय शेयर करना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने जनजाति हैं और आदिम जनजातियों का नाम बता दीजिए, आप जिस प्रमंडल से आए हैं उस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है उसका नाम बता दीजिए, वहां पे किस प्रकार की आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, किस प्रकार का ज्योग्राफिकल साइट्स है, वो प्रश्न पूछे जा रहे। रूस और यूक्रेन के बीच भारत का स्टैंड क्या है, इसमें भारत के स्टैंड का आप कितना तारीफ करेंगे, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, झारखंड की समस्याएं क्या है, झारखंड सरकार की 2-3 योजना बता दीजिए। ये भी पूछा जा रहा है कि आपको 3-4 प्लेस दिया जा रहा है, यहाँ पर टूरिज्म, धार्मिक शहर और ज्योग्राफिकल सिटी के रूप में आपको विकसित करना है, आप किसको विकसित करना चाहेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। आपको उसमें टूरिज्म जवाब देना है, क्योंकि वो उससे रोजगार भी डेवलप हो जाएगा, रेवेन्यू भी इकट्ठा हो जाएगा। इसके साथ ये पूछा जा रहा है कि आप झारखंड के जिस प्रांत से आते हैं वहाँ पर आदिवासियों की समस्या क्या है। हमने पहले भी अपने सारे वीडियो में बताया है कि इस बार ट्राइबल पॉपुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और आपको भी ध्यान रखना है इसका। लेकिन आप अगर चेयरमैन के बोर्ड में खुद 18 मेंबर ही इस बार बैठ रहे हैं, तो आप उस बोर्ड में खुद में जा रहे हैं अगर इंटरव्यू देने के लिए,
तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी जनजातीय से और थोड़ा आपके हॉबी से और आपके व्यक्तित्व से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा रहा। करेंट इवेंट पर जरूर से ध्यान दीजिएगा जो वर्तमान में घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन वहीं अगर आप अलीमा हस्ता या जमाल अहमद के बोर्ड में चले जाते हैं तो थोड़ा क्वेश्चंस की वेराइटी आई, अजीता भट्टाचार्य के बोर्ड में थोड़ी क्वेश्चंस की वेराइटी आ रही है और वहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कि भारत और नेपाल का संबंध कैसा है, भारत चीन का कैसा है, भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कैसे ले सकता है। एक चीज इससे ये समझ में आता है कि जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो क्वेश्चन उसी चीज से पूछ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। पूरे इंटरव्यू बोर्ड का जो है चेयरमैन साहब के बोर्ड को छोड़कर बाकी तमाम बोर्ड में 15 मिनट से ऊपर समय दिया जा रहा है, लेकिन चेयरमैन साहब के बोर्ड में कम समय दिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वह नंबर नहीं मिल रहा होगा, चूंकि उनके पास अनुभव है, उस अनुभव का वो फायदा ले रहे हैं और आपसे 7 से 8 सवाल पूछ करके भी वो निकाल पा रहे हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट छिपा है। इंटरव्यू बोर्ड में हमने ऐसा बताया कि हॉबी पूछा जा रहा है वहां पर कि आपकी हॉबी क्या है और आपने इसी को क्यों चुना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा से क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जी से क्वेश्चन है, झारखंड के गठन से संबंधित क्वेश्चन है और कौन कौन झारखंड के कौन कौन से जिले इस समय विकास के लिए आगे आ गए हैं, किसके जिले का समस्या है, देवघर रोपवे हादसा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अमूमन ये सारे सवाल सभी लोगों से पूछे जा रहे हैं, आपके व्यक्तिगत जो मेन्स का आपका फॉर्म वहाँ पर होगा उसमें पूरी जानकारी होती है, उससे सवाल पूछा जा रहा है। कुछ लोगों से उनके स्थानीय भाषा में उनसे पूछा गया कि आप अपने बारे में अपना स्थानीय भाषा में बताइए, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर भी जरूर से ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये भी कोशिश किया जा रहा है कि आप नर्वस अगर हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सोचना है कि नर्वस नहीं हो, आप जाने के बाद जैसा हमने पहले भी बताया कि अगर महिला मेंबर है तब तो आपको विश अलग से उनको करना है पहले, और अगर महिला मेंबर नहीं है तो जेंट्स मेंबर को एक साथ गुड मॉर्निंग अथवा गुड आफ्टरनून जिस समय में भी आपका इंटरव्यू चल रहा है आप ऑल ऑफ यू बोल सकते हैं वहां पर, उसके बाद आप बैठने के लिए बोला जाए तो बैठने के बाद जरूर से धन्यवाद बोलेंगे और आप बहुत सहज दिखेंगे वहां पर, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो और पसीना नहीं आ जाए, मतलब बहुत से लोगों का ये था। और कोट हमारे विचार से तो नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग अगर 10 में देखा जाए तो 1-2 लोग ही पहन रहे हैं, ज्यादा लोग विदाउट कोट है, 10 में से 4 लोग जो है जरूर से टाई लगा रहे हैं। अगर आप टाई से यूजुअल फ्रेंडली है तो आप जरूर से पहनिए, अन्यथा नहीं पहनिए। जितना दिन भी बचा हुआ है आप एकदम हेडेक हटाइए, बहुत पॉजिटिव है। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत प्यार से उत्तर दीजिए, मुस्कुरा कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो आप जवाब दीजिए। आप ये जरूर बोलेंगे कि सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ। इंटरव्यू बोर्ड इतने अच्छे हैं कि बीच बीच में वो कमेंट कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, आपने काफी अच्छा किया, आप तो सारा कुछ जानते हैं, इस प्रकार के भी कमेंट कर रहे हैं, तो आपकी टॉलरेंस भी वो बढ़ा रहे हैं। और जब जाते समय बहुत जगह पे ये हो रहा है कि इंटरव्यू बोर्ड कुछ कमेंट करते हैं आपस में बात करते हुए, वो भी आपके बॉडी लैंग्वेज को दिखता है। अगर मान लीजिए वहां पर बोल दिया कि ये तो एवरेज कैंडिडेट है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको मुस्कुरा करके वहां पर देखना है। और मैंने ऐसा नहीं कि उनकी आवाज सुन करके आप थोड़े से लड़खड़ा जाए तो वो भी एक निगेटिव इम्प्रेशन चला जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स के निकलते समय में कमेंट इंटरव्यू बोर्ड के लोग कर रहे थे कि थोड़ा एवरेज लग रहा है, तो आपको एकदम निराश नहीं होना है क्योंकि ये उनकी भी एक स्ट्रेटजी होती है, आप भी अपनी प्लानिंग करके आप गए, उनकी भी एक प्लानिंग होती है कि आपको कहाँ कहाँ पर नर्वस करने की कोशिश करना है। तो हमें लगता है कि आपका इंटरव्यू काफी अच्छा जा रहा है और आप जरूर से पास करेंगे, और जिनको भी पर्सनल जो भी गाइडलाइन चाहिए आप जरूर से हमसे मिल सकते हैं, 9431156794 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछिए। और तमाम लोगों का जो लोग हमने अभी तक चूंकि 400 से ज्यादा लोगों को मॉक में करवाया है तो हमने जो देखा कि अधिकांश लोगों का ठीक है। और देखिए ये दौड़ है ओलंपिक में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये भी पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में झारखंड से कोई कभी गया है कि नहीं, झारखंड के कुछ हॉकी प्लेयर का नाम बता दीजिए, भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला पाता है, ज्यादा यहाँ पे क्रिकेट को तरजीह क्यों दी जाती है, तो ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक घटनाक्रम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कंट्रोवर्सी वाला, क्योंकि उनको भी पता है कि झारखंड में जो सरकार की कंट्रोवर्सी है उसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको नहीं बोला जाए। लेकिन आप प्रमंडल किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से हैं, और आप वहाँ की जनजाति को बताइए, वहाँ की मुख्य समस्या को बताइए, झारखंड की 3-4 समस्या बता दीजिए जो मूल समस्या है, जो अन्य राज्यों से अलग समस्याएं होगी, आपके पास
ऐसे कौन कौन सी विजन है जो आप आने के बाद ठीक कीजिएगा, और आपने जो प्राथमिकता रखा है प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा या एजुकेशन सेवा, इसको ही आपने क्यों लिया है, और आपकी जो सब्जेक्ट है उसको आप क्यों कर रहे हैं। आज कुछ लोगों को अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट कल वो नहीं पूछा गया था, तो हमने कल भी बताया था कि वो पहला दिन है तो थोड़ा वो लोग भी इत्मीनान होते हैं, लेकिन हर दिन एक ही क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे, थोड़ा चेंजिंग होता है, उनको ही पता है कि बाहर जाने के बाद लोग आपस में बात करते हैं और उनको फिर शेयर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। झारखंड की राजनीतिक घटना बदलती जा रही है, जेपीएससी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो कोर्ट में केस हुआ 7 जेपीएससी को, वो अपना अलग चल रहा है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई पर थोड़ी देर में हम आपके साथ लाइव आकर बताएंगे।